इनसाइड एज सीजन 1 ने तो काफी धूम मचा ली और अब बारी है सीजन 2 की। मेरे साथ है अंगद बेदी, वेलकम टू E24। थैंक यू, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, बिकॉज सीजन 1 इतना बड़ा हिट रहा है तो सीजन 2 के लिए प्रेशर तो काफी बिल्ड होगा, तो सेट का माहौल कैसा था? सीजन 1 के मुकाबले थोड़े ज्यादा ईज में थे या ज्यादा प्रेशर था? जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं फरहान अख्तर, रितेश सिद्वानी, उन्होंने ही मिर्जापुर दिया, विच बिकेम सच अ ह्यूज सक्सेस, उन्होंने ही मेड इन हेवन दिया। तो अब एज प्रोड्यूसर्स, व्हेन यू वेयरिंग डिफरेंट हैट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टेंट, वेदर इट्स फीचर और वेब, देन यू हैव टू बी लाइक यू नो रियली ऑन योर टोज। और ड्यू क्रेडिट टू करण अंशुमन, जो हमारे क्रिएटर हैं पहले सीजन के और दूसरे सीजन के, उन्होंने बहुत ही अच्छा सेकेंड सीजन बनाया है, जो बहुत रियल स्पेस में रखा है। अक्सर क्या होता है, बहुत मिक्स रिस्पॉन्स मिलता है सेकेंड सीजन को, क्योंकि लोगों को लगता है कि सेकेंड सीजन पहले सीजन से खड़ा नहीं उतरेगा। लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारा जो सेकेंड सीजन है वो इट्स गॉन 10-fold अप, और बहुत ही लोगों ने बहुत ही इसको निहारा और वो प्यार दिया और कहा है कि ये तो पहले सीजन से भी अच्छा है। So, you know, it spiraled into a really good space in the orbit. आप भी बचपन से क्रिकेट के माहौल में पले बड़े हैं, तो उस चीज ने आपकी कितनी हेल्प की? और जब आप इनसाइड एज की शूटिंग कर रहे थे तो कुछ ऐसे इंसिडेंट से कि हाँ यार, ये पॉलिटिक्स, इस तरह की पॉलिटिक्स के बारे में मैंने सुना है, ऐसी हुई है जी? पॉलिटिक्स तो हर फील्ड में होती है, you know, you have to just rise above it. मेरी पैदाइश जरूर क्रिकेट एक घराने में हुई है, लेकिन क्या होता है कि इवेंचुअली खेल तो आपको खेलना पड़ेगा, सीखना भी आपको पड़ेगा, एक्टिंग भी आपको करनी पड़ेगी, किरदार को कैसे यू नो तराशना है आपको, अपने क्रिएटर के साथ मिल जुट के कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, तो वो सब तो आपकी खुद की मेहनत रहती है। जिस तरीके से शॉट्स लिखे गए स्क्रीन प्ले पर कि आपको कवर के ऊपर से मारना है बॉल, स्विच हिट करनी है, थर्ड मैन के ऊपर से खेलना है, मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारना है, ये सब स्क्रीन प्ले में लिखे गए थे, लेकिन वो क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा वो मेरी एबिलिटी पे था। आई प्रैक्टिस रियली हार्ड टू लर्न ऑल दो शॉट्स एंड देन आई ट्राई टू प्ले देम, आई होप ऑडियंस हैज लाइक देम। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं एबीडी की तरह एबीडी विलियर जैसा खेलने की कोशिश करूँ तो फिर अगर मैं खेल पाता तो मैं शायद आईपीएल खेल रहा होता, लेकिन मैंने आईपीएल नहीं खेली, मैं पीपीएल खेल रहा हूँ, यू नो आई एम एन एक्टर। सो It's taken me time. I've tried to come close to as possible as the screenplay is concerned. ज़्यादा से ज़्यादा आप आने वाले projects के बारे में बताइए, and किन directors के साथ आप personally काम करना चाहते हैं? ये सवाल मैं आपका पहला दूंगा, because I feel इसका जवाब जाना चाहिए the directors who I want to work with, जो निर्देशक हैं शकुन बत्रा, शशांक खेतान, लव रंजन, शुजीता अगेन, मुझे बाल्की सर के साथ काम करना, आई वॉन्ट टू वर्क विद शरण शर्मा अगेन, हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आई फील इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जिनकी मैं फिल्म कर रहा हूँ गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जानवी कपूर के साथ, और मेरे आई थिंक या दीज आर द मेकर्स, अली अब्बास जफर, ही मेक्स, उनके साथ मैंने टाइगर जिंदा है मैं काम किया सलमान भाई के साथ, ही मेक्स फिल्म ऑन अ रियली बिग स्केल, वो दिखाते हैं बड़े पर्दे पर हीरो कैसा होना चाहिए, हीरोइन कैसी होनी चाहिए, ही इंडल्जेस एंड आई रियली लाइक। करण जौहर, एंड आई फील दैट मुझे एक दो फिल्में सोलो करनी पड़ेंगी टू रीच अ लेवल वेयर करण थिंक्स ही कैन कास्ट मी। यू नो, इससे एक और सवाल बनता है कि एक्चुअली करण जौहर ने ही नेहा को सजेस्ट किया था दैट शी शुड गेट मैरिड विद यू। मुझे लगता है नेहा को सजेस्ट करना चाहिए टू करण जौहर दैट ही शुड टेक मी इन माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। या दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन सिदेश के साथ साक्षी अरोड़ा, E24 मुंबई।